हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का टॉपिक है कि जब हम परचेज करते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से, तब हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं टैली के अंदर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसकी डिस्कशन हम आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हम किसी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज करते हैं, ये होते क्या है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरियाज। तो ध्यान से समझिएगा कि गवर्नमेंट ने अंडर डेवलप्ड एरियाज को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे देश के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, अलग अलग ऐसे एरियाज डिफाइन किए हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में रखा गया है। अगर हम वहां से परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, तो उनको बोलते हैं परचेज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया। और हमें उनसे परचेज करते हुए, हमने जिस बिजनेस से हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए स्पेशल एरिया में एक बिजनेस है जो स्पेशल जोन में आता है, वहां से अगर हम परचेज करेंगे तो वो बिजनेस हमसे कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर हम उनसे परचेज करते हैं तो परचेज करने वाले को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो इस केस के अंदर अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं, लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, आइए इसकी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मान लेते हैं हमने परचेज की है, टैक्सेबल गुड्स हमने परचेज की है, तो यहाँ पे हम टैक्सेबल गुड्स परचेज करेंगे। परचेज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% की रेट वाली गुड्स हमने परचेज की है, या ये लगा लीजिए 12% की हम लगा लेते हैं, 12% की जो रेट है गुड्स का, वो गुड्स हमने जीएसटी पे करते हुए परचेज, यानी कि हम परचेज कर रहे हैं। और जो हम ये परचेज करेंगे, हमने परचेज करते हुए कोई टैक्स नहीं देना जिसे हम परचेज करेंगे, लेकिन बाद में हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट कहती है ये एक तरह की इंपोर्ट है। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज करते हो तो जीएसटी एक्ट कहता है ये एक तरह की इंपोर्ट है, और जो ट्रीटमेंट इंपोर्ट के केस में होता है वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट अलग है इंपोर्ट से, लेकिन लगेगा आपको उसी की तरह। तो आपने क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे अनडिफाइंड सिलेक्ट करना है, और जब भी हम ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से परचेज करेंगे, हमें उनका एचएसएन नंबर या तो आइटम क्रिएट करते हुए डालना है। अगर हमने अलग अलग आइटम परचेज की हैं और सभी के ये एचएसएन नंबर अलग अलग है, ये एचएसएन नंबर वर्ल्ड ट्रेड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिसने इनके ये कोड डिफाइन किए हैं। और जब हम ये या तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से परचेज करें या इंपोर्ट करें, ये डालने कंपलसरी होते हैं। और अगर हमने एक ही आइटम परचेज की है, तो उस आइटम का हमें अगर एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन डालना है तो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने अलग अलग आइटम परचेज की है तो उनके कोड हमें क्या करना पड़ेगा, हर आइटम के अंदर डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन और कोड। और आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है परचेज फ्रॉम सीज टैक्सेबल, अगर आप टैक्सेबल गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रेट की हो, 12% की हो, 5% की हो, 18% की, और यहाँ पे जो रेट का आप अकाउंट बना रहे हो, ये अकाउंट जिस रेट का बना रहे हो, 18% का, 12% का, वो अकाउंट का रेट आपने यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे सप्लाई टाइप आपने गुड्स सेलेक्ट करना है कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हमने मान लीजिए ये परचेज की है, परचेज फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड जीएसटी फ्रॉम, यहाँ पे एक और चीज आपने डिफाइन करनी है, शायद मैं वहां पे लिखना भूल गया, परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी फ्रॉम, कहां से परचेज हुई है, सीज से, ये भी लिखना जरूरी है, SEZ आपको साथ में डालना है कि ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज हुई है, तो ये साथ में लिखना है। जब आप ये परचेज अकाउंट टैक्सेबल बना रहे हो 18% का, साथ में लिखोगे फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, तो ये साथ में लिखना जरूरी है। तो ये परचेज के अंदर दोगे आप, इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टिव यस करोगे, जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करोगे। तो क्लासिफिकेशन आपने अनडिफाइंड रखना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आप एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे टैक्सेबल, अगर आप एक ही गुड्स परचेज कर रहे हो तो ये अकाउंट क्रिएट करते हुए उनका एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन अगर आपकी आइटम्स अलग अलग हैं तो आपको आइटम क्रिएशन करते हुए ये डालना पड़ेगा।
तो अगर आपको ये डालना नहीं आता या आइटम क्रिएशन करनी नहीं आती, कहने का मतलब, तो आप आइटम क्रिएशन की वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा आइटम क्रिएशन कैसे होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड आपने सेलेक्ट करना है, ये मैंने आपको बताया, परचेज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एग्जम्प्टेड, ये आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि ये एग्जम्प्टेड का केस है। तो आप चाहे नील रेट की गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे आप एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज कर रहे हो, दोनों केस के अंदर आपने यहाँ पे अननोन सेलेक्ट करना है, यानी कि टैक्सेबिलिटी, चाहे एग्जम्प्टेड का केस है चाहे नील रेट का केस, दोनों केस में एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में सप्लाई टाइप को आपको गुड्स सेलेक्ट करना है कि हमने ये गुड्स की परचेज की है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसके बाद जब हम ये गुड्स परचेज करते हैं, इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे परचेज वाउचर हम ओपन करेंगे, जहाँ पे हम ये परचेज जो कर रहे हैं उसकी एंट्री डालेंगे। यहाँ पे पहले बिल नंबर और बिल की डेट, यहाँ पे पार्टी जिसे हमने परचेज की है। तो जब आप ये पार्टी अकाउंट क्रिएट करोगे, थोड़ा ध्यान रखना है, आइए पार्टी अकाउंट क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं हमने राम चंद से ये गुड्स परचेज की है, जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया में बिजनेस चलाता है, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। और मेंटेन बिल बाय बिल आपने यस करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे फर्दर जो डिटेल डालनी है डाल सकते हो। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि ये बिजनेस कौन सी स्टेट में करता है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट बना रखी है, जहाँ पे मतलब आपको पता है अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, वहां पे ये अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिए हर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो जहां से भी आपने ये परचेज की है, वो आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाके यस करना है। और आपने सेलेक्ट करना है कि अगर उसके पास जीएसटीएन नंबर है, अगर वो रेगुलर डीलर है या कंपोजिट डीलर या कंज्यूमर या अननोन डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपका उसका जीएसटीएन नंबर यहाँ पे डालना है। और अगर वो कंपोजिट डीलर है या रेगुलर डीलर, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर उसका जीएसटीएन नंबर है, तो यहाँ पे आप डालोगे। और यहाँ पे आपने पार्टी टाइप के अंदर यहाँ पे जो स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्ट करना है कि ये जो हमने परचेज की है, ये जो पार्टी है, सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा रामचंद है, ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन पार्टी टाइप सिलेक्ट करनी है कि ये जो हमारी पार्टी है वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया की है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, और एंट्री यहाँ पे डालते जानी है, यानी कि आगे ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते जाना है। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है वो कंपोजिट डीलर है या रेगुलर डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि ये जो परचेज हो रही है, ये जो आप परचेज कर रहे हो, एग्जम्प्टेड गुड्स की परचेज है। तो आपने परचेज, ये देखिए ऑप्शन परचेज एग्जम्प्टेड गुड्स फ्रॉम सीज, ये सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने टैक्सेबल गुड्स परचेज की है, तो अगर आपने 12% का, 18% का, 28% का अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये परचेज टैक्सेबल एट दी रेट ऑफ 12%, और साथ में यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हुए लिखना है, मैं लिखना भूल गया, कि फ्रॉम सीज, कि हमने ये जो परचेज की है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से परचेज की है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी आइटम हमने ये परचेज की है 12% पे, तो मान लेते हैं ये एचपी कंप्यूटर्स आइटम है जो हमने परचेज की है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज हुई है। और ये हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, तो 1 लाख की गुड्स हमने ये परचेज की है। तो जैसे ही आप अमाउंट डालोगे, उसके बाद आपको पूछेगा कि ये जो हमने गुड्स परचेज की है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से, इन में से कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ सेलेक्ट करना है कि कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो हमने टोटल अमाउंट 1 लाख ही डाल दी है कि पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। और यहाँ पे आपने प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में यस करना है, और इसमें एंट्री डालते हुए कोई टैक्स नहीं लगाना, चाहे इन गुड्स के ऊपर टैक्स लगता भी है, परचेज की एंट्री डालते हुए कोई टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि हमने ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज की है। हमने रामचंद को कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि जहां से हमने ये परचेज की है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से, लेकिन बाद में हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करनी है। और यहाँ पे आपने बिल ऑफ एंट्री नंबर डाल देना है, और बिल ऑफ एंट्री का मतलब जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके पास गुड्स आई है उसके बिल का नंबर, और ये उसके ऊपर जो डेट होती है, ट्रांसपोर्ट की डेट होती है, किस दिन आपको ये गुड्स डिलीवर हुई है, जो भी डेट उसके ऊपर अवेलेबल होती है वो डेट डालनी है। और यहाँ पे आपने न्यू रेफरेंस नंबर
डालकर इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमने कोई टैक्स इस एंट्री के अंदर नहीं लगाया, चाहे हमने टैक्सेबल गुड्स खरीदी है, क्योंकि एग्जम्प्टेड यानी के स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से गुड्स हमने परचेज की है। ऐसे ही मान लेते हैं हमने एक बार फिर गुड्स परचेज की है, इसी से परचेज की है जो अभी हमने क्रिएट किया था रामचंद, ये अकाउंट तो आपको बनाना आ चुका है, रामचंद से ही हम एक बार फिर से परचेज करने वाले हैं। ये यहाँ पे अब मान लेते हैं हमने या तो नील रेट की गुड्स परचेज की है या हमने एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज की है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, कि हमने ये जो गुड्स इंपोर्ट की हैं वो एग्जम्प्टेड गुड्स इंपोर्ट की हैं, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने ये सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करनी है जो आइटम हमने परचेज की है, एग्जम्प्टेड आइटम जैसे एग्जम्प्टेड जीएसटी आइटम या नील रेट आइटम, जो भी हमने आइटम परचेज की है वो आइटम आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करोगे, क्वांटिटी डालोगे कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, और उसके बाद आपने यहाँ पे फिर आपको एक बार पूछेगा। वैसे तो इन गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये ऑप्शन एक्टिवेटेड है इसीलिए आपसे पूछेगा कि इनके ये कितनी अमाउंट जो आपने गुड्स परचेज की है इनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, 30,000 अमाउंट पे लगेगा टैक्सेबल अगर इनके ऊपर लगता है। तो वैसे तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना, लेकिन ऑप्शन एक्टिवेटेड है तो वो आएगी ही आएगी, तो आप अमाउंट डाल सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि एग्जम्प्टेड का केस है। तो प्रोवाइडेड जीएसटी डिटेल आपने यस करना है, और ये ट्रांसपोर्ट नंबर, और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है जिस डेट को आपने ये गुड्स परचेज की है, और ये बिल नंबर डाल के एंट्री सेव कर लेनी है। एंट्री डालने के बाद तो इन गुड्स के ऊपर तो हमने कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो पहले हमने 12% के ऊपर गुड्स परचेज की थी, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट की गुड्स परचेज की थी। आई थिंक सो 30,000 की गुड्स हमने परचेज की थी, क्योंकि हमने उनके ऊपर टैक्स देना है, एक बार चेक करना पड़ेगा। हमने 1,00,000 की गुड्स परचेज की थी 12% के ऊपर, तो हमें इनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर, यानी के इसके ऊपर जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे जर्नल के अंदर जाकर हमें गवर्नमेंट को जैसे ही ये गुड्स हमारे पास पहुंचेगी हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और इसकी एंट्री हम इस जर्नल वाउचर में डालेंगे, यानी कि ये टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को देना है। आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है टैक्स पेड ऑन सीज परचेज फ्रॉम सीज, कि आपने जो सीज एरिया से गुड्स परचेज की है उनके ऊपर हमने टैक्स देना है, और ये आप करंट एसेट्स के अंदर खोलोगे। अगर आप इनको करंट एसेट्स के अंदर खोलते हो तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही करंट एसेट में खोलोगे, हमने इसको करंट एसेट में क्यों खोला ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए हमने इसको करंट एसेट के अंदर खोला ताकि बाद में हमें पता है ये जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ये जो हम टैक्स अकाउंट खोल रहे हैं, हमें ये अमाउंट क्लेम मिल जाएगा गवर्नमेंट से बाद में, जब हम ये गुड्स जो हमने परचेज की हैं आगे हम इनको सेल करेंगे। ये जो हमने स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से परचेज की हैं, जब हम इनको सेल करेंगे, हम अपने कस्टमर से टैक्स लेंगे, तो उसमें से हम ये टैक्स अपना एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये दो ऑप्शन आपने फॉलो करनी है, टैक्स पेड ऑन परचेज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एंड करंट एसेट के अंदर इसको ओपन करना है, और आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे और कोई ऑप्शन फॉलो नहीं करनी जब आप ये अकाउंट खोलोगे। और यहाँ पे 1,00,000 के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो, हमने 12% इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना है, तो हम ये 12% इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये कहानी है, फंडा है ये हमारी अकाउंटिंग का, जब हम परचेज करते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से, और हमने यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने ये गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है इसको हम आईजीएसटी बोलते हैं टैक्स को, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है अगर आप स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से परचेज कर रहे हो, ये एक तरह की इंटरस्टेट आपने परचेज की है, और अगर आप इसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो तो आपको आउटपुट आईजीएसटी इसके ऊपर पे करनी पड़ेगी। तो हम इसके ऊपर आउटपुट आईजीएसटी, तो जिस रेट की हम ये टैक्स पे कर रहे हैं उसी रेट का हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ये
आउटपुट आईजीएसटी 12% पे करनी है, तो हम आउटपुट आईजीएसटी 12% का अकाउंट क्रिएट करेंगे, अंडर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी आप जीएसटी सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए कि आपने ये अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। आउटपुट आईजीएसटी 12% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी आप देखोगे जीएसटी, और टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को देना है, ऐसे हम ये टैक्स पे करते हैं। ये हमने एंट्री डाल दी है, लेकिन एंट्री को सेव करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करना भूल गए। जैसे ही हम ये जर्नल के अंदर ये टैक्स जो गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं उसकी लाइबिलिटी एक तरह से हम ये क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी क्रिएट करना। तो आपने यहाँ पे ऑल्ट जे प्रेस करना नहीं भूलना। जब भी हम कोई लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं जर्नल के अंदर डालकर, आपने ऑल्ट जे प्रेस करते ही यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारी ये लाइबिलिटी बढ़ रही है टैक्स की, जो क्योंकि हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है जो हमने गुड्स परचेज की हैं। तो आपने इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सिलेक्ट करना है, और आपने ये गवर्नमेंट को टैक्स देना क्यों है यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने ये जो गुड्स इंपोर्ट की हैं ये स्पेशल इकोनॉमिकल एरिया से परचेज की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रही कि हमने स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज की हैं, तो आप इस केस में अदर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने ये जो गुड्स परचेज की हैं इसके ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि हमें रीजन वो पूछ रहा था कि हमने ये लाइबिलिटी क्यों पे करनी है, तो वहां पे ऑप्शन नहीं थी। तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो कि कारण क्या है, अदर कारण है कि हम ये टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इस एंट्री को आपने सेव कर लेना है। तो ऐसे हम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से जब परचेज करते हैं एंट्री डालते हैं, और ये टैक्स बाद में हम ये टैक्स जो है आईजीएसटी पेमेंट वाउचर में जाके पे कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पे कैसे होता है ये टैक्स आईजीएसटी, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो कि टैक्स टेबल की वीडियो को, कि ये टैक्स पे कैसे होता है, क्योंकि पे करना बहुत ही आसान फंडा है, तो इसीलिए इसमें हम कवर नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने स्टैचरी रिपोर्ट के अंदर जाकर जीएसटी के अंदर अगर आप जाओगे, GSTR2 के अंदर आप देखोगे, तो आपको वहां पे ये रिपोर्ट नजर आएगी इंपोर्ट ऑफ इनवॉइस के अंदर। तो जितनी भी हम चाहे गुड्स किसी दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं, चाहे हम गुड्स स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से परचेज करते हैं, तो गवर्नमेंट इसको इंपोर्ट मानती है या जीएसटी एक्ट मानता है, तो आपको ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपको ये सारी डिटेल नजर आएगी। तो ये देखिए, हमने ये जो गुड्स परचेज की है रामचंद से स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एरिया से, तो वो डिटेल आपको इंपोर्ट ऑफ इनवॉइस के अंदर ही नजर आएगी। तो इस तरीके से देखते रहिए हमारी वीडियोस और सीखते रहिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ